हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट आईक्यू। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जैन की। आप जानते हैं कि जितने भी जगह SSB के एग्ज़ाम्स होते हैं, ये टॉपिक ज़रूर और ज़रूर है आता है और हर सिलेबस में होता है। हर जो भी एग्ज़ाम होता है सिलेबस में ये टॉपिक ज़रूर होता है और इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। लेट्स स्टार्टेड। ये जो मैंने वीडियो जो है, ये इसमें जो भी टॉपिक है ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आप इसको देख सकते हैं। लेट्स स्टार्टेड। द इंडस, इसके ओरिजिनेशन मानसरोवर लेक तिब्बत से हुई और ये लार्जेस्ट सब कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट रिवर ऑफ सब कॉन्टिनेंट है। इसकी टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर है, जिसमें से 709 किलोमीटर जो है इंडिया में फॉल करती है। ट्रिब्यूटरीज पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को आए हैं। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। कश्मीर में इंडस रिवर को दरियाए सिंध भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है रिवर का, ये भी अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। दरियाए सिंध कहा जाता है कश्मीर में इसको। इसको फादर ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट रिवर है झेलम, इसे वितास्ता भी कहते हैं, व्यथ भी कहते हैं, हदसपस भी कहते हैं। इसकी ओरिजिनेशन कहाँ है? ये अनंतनाग में जो चश्मा है, वेरीनाग स्प्रिंग, वहाँ से जो है ओरिजिनेट होती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज़ को याद रखना, नाला लिद्दर, नाला सिंह और दूध गंगा रिवर। नाला लिद्दर, नाला सिंह, दूध गंगा रिवर। इसकी टोटल लेंथ 215 किलोमीटर है। नेक्स्ट रिवर आती है चनाब, जिसे चंद्रभागा भी कहा जाता है। इसको चंद्रभागा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो रिवर्स जो हैं वो मीट करती हैं, चंद्र और भागा, और वो चंबा से फ्लो होते हुए, या चंबा हिमाचल प्रदेश से फ्लो होते हुए J&K में एंटर करती है। कहाँ पे? पाडर एरिया में, पाडर एरिया में। और पाडर से ही रिवर का नाम जो है चेंज होके चनाब हो जाता है। जो गेट्स ऑफ सलाल डैम हैं वो इसी रिवर पे बने हुए हैं। उसके मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से? भूतनाला और तवी रिवर। नेक्स्ट है तवी रिवर। तवी रिवर को सूर्य पुत्री भी कहा जाता है, इसे याद रखना, सूर्य पुत्री। ये जो है कभी कभी पेपर में इस डायरेक्ट आता है कि इस रिवर का दूसरा नाम क्या है, यानी ओल्ड नेम क्या है या दूसरा नाम क्या है। ये कहाँ से निकलती है? ये कैलाश कुंड, स्प्रिंग सोज हिल्स, भद्रवाह से निकलती है। जो तवी रिवर है ये जम्मू को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ओल्ड सिटी एंड न्यू सिटी। ये चनाब के साथ मर्ज होती है पाकिस्तान में। उसकी टोटल लेंथ जो है 141 किलोमीटर है। नेक्स्ट रिवर है नीलम रिवर, इसे किशन गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा सर लेक्स जो है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इसका 245 किलोमीटर लेंथ है। उसके बाद आते हैं रावी, इसे इरावती भी कहा जाता है, पुरुषनी भी कहा जाता है। ये बारा बंगल इन कंगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। इस पे कौन सा डैम बना? वो रंजीत सागर डैम। ये भी पूछा जाता है कि ज़्यादातर कि कौन सा डैम जो है इस रिवर पे बना हुआ है। इसकी टोटल लेंथ 720 किलोमीटर है। उसके बाद जांस्कार, इसे जांस्कार भी कहा जाता है, जंगस्कार भी कहा जाता है। ये फ्रोजन रिवर होती है बेसिकली, इसे चदर ट्रेक, चदार ट्रेक भी कहा जाता है। जंस्कार रिवर विंटर में जो है बिल्कुल फ्रोजन हो जाती है, फ्रोज हो जाती है। कहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ ग्रेट हिमालय से। उसके बाद आती है श्योक रिवर, ये रिमो ग्लेशियर जो है, सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ से ही इसका ओरिजिन होता है। इसे रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है क्योंकि इसका रूट जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट आते हैं लेक्स ऑफ J&K। वुलर लेक, महापद्मासर भी कहा जाता है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, वुलर लेक, फ्रेश वाटर लेक। इट अकाउंट 60% टोटल फिश प्रोडक्शन J&K की जो है वहीं से निकलती है। ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, उसकी लेंथ 16 किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है डल लेक, सेकंड लार्जेस्ट है J&K, UT ऑफ J&K में। इसका पहला कौन सा? वुलर लेक, दूसरा डल लेक।
इसके अलग अलग नाम हैं, लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, श्रीनगर जिवल भी कहा जाता है, मानसबल लेक, ये डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है। वुलर लेक क्या थी? फ्रेश वाटर लेक। और मानसबल लेक क्या है? डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है ये फेमस मानसबल लेक, जो है किसके लिए फेमस है? लोटस के लिए फेमस है। इसे सुप्रीम जेम्स ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स को भी कहा जाता है। तो गंगाबल लेक, इसे हरमुख गंगा भी कहा जाता है। ये माउंट हरमुख के फुट हिल्स पे है, इसलिए इसको हरमुख गंगा भी कहा जाता है। फिर कौसर नाग, विष्णुपाद भी कहा जाता है इसका, ये पीर पंजल कुलगाम में है ये लेक। उसके बाद आता है मानसर लेक, इसे मानसरोवर भी कहा जाता है। ये सेक्रेट है, होली लेक है, 60 किलोमीटर जम्मू से दूर है। इसमें फेमस टेंपल भी हैं, उमापति महादेव और नरसिम्हा टेंपल्स भी हैं। नेक्स्ट आता है नगीन लेक, यह हरी पर्वत हिलॉक में लोकेटेड है। इसे जिवल इन द रिंग भी कहा जाता है या जिवल इन द कश्मीर भी कहा जाता है। ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।